हरियाणा के शमशाबाद शहर में महिला चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत से देश आक्रोशित था। दरअसल कुछ दिनों पहले हैवानों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे जिंदा जलाकर मार डाला था, जिसकी वजह से देश का माहौल काफी गर्म था। लोग जगह जगह पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे, साथ ही दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। वही दूसरी तरफ उन्नाव में हुए सामूहिक दुष्कर्म करके युवती को जिंदा जलाकर मारने पर देशवासियों को वापस आक्रोशित कर दिया था, जिसको लेकर दोषियों के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद होने लगी है। हालांकि उन्नाव मामले के अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना की महिला चिकित्सक के दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी कस्टडी लेकर उनसे पूछताछ किया जा रहा था। इस मामले को लेकर पुलिस रिक्रिएशन के लिए चारों अपराधियों को घटनास्थल पर ले गई, तभी पुलिस का असलहा छीनकर अपराधी भागने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से पुलिस अपनी आत्मरक्षा करते हुए चारों अपराधियों को मार गिराया। इस खबर के मिलते ही पूरे देश में खुशी का माहौल हो गया है। ऐसे में वाराणसी की महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दुष्कर्म करने वालों के साथ यही होना चाहिए, जिससे देश की महिलाएं सुरक्षित रहें और कोई भी दुष्कर्म करने के बारे में सोचे भी नहीं। वो जो रैपिंग वाला केस चल रहा था ना, उसके लिए मतलब जश्न मनाया जा रहा है। वो चारों को जो सजा मिली है बहुत अच्छी हुई है, आगे भी होनी चाहिए। ऐसे ही सबको सबक मिलना बहुत ज़रूरी था। लड़कियां सेफ नहीं थी, आज के बाद लड़कियों को डर तो कम से कम नहीं रहेगा। आज वो रेपिस्ट वाला कांड का वो चारों लड़के जो थे वो मारे गए हैं, जिसकी की खुशी मनाई जा रही है। और अपने देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कदम हर जगह से उठाया जाए। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ऐसे ही घटना होनी चाहिए, जिंदा जला दिया जाना चाहिए, उनको भी जला दिया जाए। ऐसा है कि जैसा पूरे देश में आक्रोश था बहन बेटियों को, जिस तरह दरिंदगी के साथ उन्होंने जलाया था, और उसके ज़्यादा आज उन्होंने सुबह पुलिस वालों को असलहा लेकर भाग रहते हैं और चारों आरोपी मारे गए, तो पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है कि ऐसे 15 दिन के अंदर उनकी कहानी खत्म हो गई। और प्रत्येक हम यहाँ पर देश नहीं पूरे प्रदेश से पूरे देश में ही मांग करेंगे कि ऐसे आरोपियों को सख्त सजा सरकार दे और उनको फांसी पर लटकाए। मैं पूरे देश की घटना की कर रहा, ऐसी घटना अगर पूरे देश में कहीं भी होती है इस पर फौरन पुलिस कार्रवाई करे और न्यायपालिका फौरन इस पर कमेटी बैठाए और एक महीने के अंदर उनको फांसी पर लटकाया जाए। हम लोग आज ने बहुत खासी खुल्लास के साथ जश्न मनाया है। उन लोग के साथ ऐसा ही करना चाहिए, उन लोगों को तो पहले जला देना चाहिए। बात है पुलिस एक्शन एनकाउंटर किया है ना, हम लोग को बहुत खुशी हुई है। ऐसे करते रहे आगे काम अपना, ताकि हम लोग बच सके, उन लोग जला दो से।